गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा टूडे टॉपिक इज फंक्शन फॉर ट्वेल्थ क्लास बेटा आज हम एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्थ को डिस्कस करते हैं ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन टवेल्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा क्या कहता है फंक्शन सो दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन एन फॉर नेचुरल नंबर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन सभी ऑड्स फंक्शन ऑड के लिए सभी ऑड नंबर्स के लिए आपका एफ एक्स हो जाएगा एक्स प्लस वन और इवन e के लिए एक्स माइनस वन इज बहुत वन वन एंड ऑन टू ध्यान से देखना बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वन वन बेटा वन वन के लिए आपको बताया था मैंने कि हम टू डिफरेंट एलिमेंट्स ले लेंगे डोमेन के और उनकी इमेजेस को इक्वल लेकर प्रूफ कर देंगे कि वो नंबर्स डिफरेंट नहीं है सेम है क्लियर तो मैंने सेम मेथड टू मेंबर्स ले लिए लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन अब इधर फोर केस बनते हैं बेटा एक्स वन और एक्स टू दोनों ईवन हो सकते हैं दोनों ऑड हो सकते हैं एक्स वन इज ईवन एक्स टू इज ऑड और एक्स टू इज ईवन एक्स वन इज ऑड फोर केसेस सभी को डिस्कस करते हैं इफ़ एक्स वन एंड एक्स टू बोथ आर ईवन नंबर्स यदि दोनों नंबर्स कैसे हैं ईवन है तो एफ ओफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स टू ईवन के केस में एफ ओफ एक्स को एक्सप्लेन किया एक्स माइनस वन तो एफ ओ फैक्स वन हो जाएगा बेटा एक्स वन माइनस वन एफ ओफ एक्स टू एक्स टू माइनस वन बेटा वन से वन कैंसिल देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू इफ एक्स वन एंड एक्स टू बोथ आर ऑड तो ऑड के लिए एक्सप्लेन किया एक्स प्लस वन तो एफ ओ फैक्स वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एफ ओ फैक्स टू एक्स टू प्लस वन बेटा वन से वन कैंसिल अगेन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू थर्ड इज इफ़ एक्स वन इज़ इवन एंड एक्स टू इज ऑड कोई भी इवन और ऑड नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते हैं बेटा एफ ऑफ एक्स वन हैन माइनस वन एफ ऑफ एक्स टू है एक्स टू प्लस वन क्योंकि एक्स वन इज इवन एक्स टू इज ऑड फंक्शंस को भी अलग अलग से डिफाइंड किया हुआ है तो एक्स वन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स टू एंड एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू थर्ड इज इफ एक्स टू इज इवन एंड एक्स वन इज तो एफ ऑफ एक्स वन इज एफ ऑफ एक्स वन इज एक्स वन प्लस वन एंड एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वन अगेन ईवन नंबर्स इज नॉट इक्वल टू ऑड नंबर्स एंड एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू क्योंकि इवन और ऑर्ड की रेंज भी क्या है उसने डिफरेंट हमें दी हुई है दस एफ इज वन वन फंक्शन ऑन टू ऑन टू बेटा लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई क्लियरली अब वाई पर डिपेंड करता है वाई ईवन है या ऑड है क्योंकि नेचुरल नंबर्स किससे मिलकर बने इवन और ऑडों से इफ़ वाई इज ईवन इफ वाई इज ईवन देन वाई माइनस वन इज ऑड वाई प्लस वन भी ऑड होता इफ वाई इज ईवन ईवन यदि किसी इवन नंबर के अंदर हम वन ऐड करेंगे या वन सब्टेक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा बेटा ऑड डिजिट आपको मिलेगी बट मैंने माइनस क्यों किया माइनस अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्योंकि मुझे यहाँ से वन को रिमूव करना है क्लियर इसलिए मैंने यहाँ क्या है प्लस वन है तो मैंने इधर वाई माइनस वन ले लिया यदि एक्स माइनस वन होता तो मैं वाई प्लस वन ले लेता इफ वाई इज ई वन देन वाई माइनस वन इज ऑड तो एफ ऑफ वाई माइनस वन वाई माइनस वन ऑड है एक्स प्लस वन एफ ऑफ वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन प्लस वन वन से वन कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू वाई यानी कि वाई माइनस वन इज ऑड ऑड की इमेज क्या मिल गई आपको ई वन नेक्स्ट इज इफ वाई इज ऑड देन वाई प्लस वन इज ईवन एफ ऑफ वाई प्लस वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन माइनस वन प्लस वन से माइनस वन कैंसिल विच इज इक्वल टू y वाई y is even evens ईवन इवन की इमेज क्या मिल गई बेटा और or, odds or की इमेज क्या मिली odds की इमेज क्या मिलती है even यानी कि सभी कोडोमेन के सभी even की इमेज even की प्री इमेज हो गई और odds की प्री इमेज इवन दज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव ए प्री इमेज इन डोमेन देयर फोर एफ इज ऑन टू फंक्शन थर्टीन था बेटा सो दैट एन ऑन टू फंक्शन हमें ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है एफ फ्रॉम वन टू थ्री टू वन टू थ्री इज ऑलवेज वन वन हम बेटा एफ इज अपोजिट ले लेते हैं देट एफ इज नॉट वन वन देन देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स से वन और टू हैव सेम इमेज वन वन फंक्शन कौन सा होगा बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होगी अब मैं अपोजिट मानकर चलता हूँ कि एफ इज नॉट वन वन एफ वन वन नहीं है तो कम से कम टू मेंबर्स की एक ही इमेज है क्लियर तो मैंने लेट कर लिया कि वन एंड टू हैव सेम इमेज ऑल्सो द इमेज ऑफ थ्री अंडर एफ इज ऑलवेज वन एलिमेंट और थ्री की इमेज मैंने ले ली वन एलिमेंट यानी कि वन और टू की इमेज मैंने कंसिडर की वन थ्री की इमेज मैंने थ्री ले ली बेटा अब देखिए जो टू आपको फंक्शन जो टू एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर जो टू है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है कोई भी प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन जो है आपका ऑन टू नहीं हुआ क्लियरली ऑन टू की फंक्शन के अंदर कोडोमेन के सभी मेम्बर्स की प्री इमेज होनी चाहिए तो मैंने ले लिया वन की इमेज वन टू की इमेज वन तो इट इज़ मैंने ले लिया कि एफ इज नॉट वन वन यानी कि वन और टू की एक ही इमेज है और थ्री की इमेज मैंने थ्री ले ली बेटा कंसिडर लेट की तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेंबर टू जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया ऑन टू नहीं हुआ बट हमें क्या गिवन था हमें एफ एक्स ऑन टू फंक्शन गिवन है तो दिस इज कंट्राडिक्शन हैंस एफ इज ए वन वन फंक्शन फोर्टीन सो दैट ए वन वन फंक्शन एफ फ्रॉम वन टू थ्री टू वन टू थ्री मस्ट बी ऑन टू फंक्शन वन वन फंक्शन वन वन होगा डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होंगी अब दोनों सेटों के अंदर डोमेन और रेंज के अंदर थ्री थ्री मेम्बर्स हैं वन की इमेज वन टू की इमेज टू थ्री की इमेज थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज हैंफ इज़ वन वन तो थ्री हेट थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स थ्री डिफरेंट एलिमेंट तो एक सिंगल एक को ही जाएगा बेटा एक मेंबर की एक इमेज हो गई हैंस एफ इज़ वन वन फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन एफ अब ऑब्जर्व कीजिए कोडोमेन को कोडोमेन को. को के सभी मेंबर्स की प्री इमेज हैं एवरी एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन विच हैव ए प्री इमेज यानी कि यहाँ कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो यानी सभी मेंबर्स की प्री इमेज हैं इसलिए दिस इज ऑन टू फंक्शन